कस्टर्ड बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधा किलो फुल क्रीम दूध ले लिया है, 2 बड़े चम्मच शक्कर लिया है और ये कस्टर्ड ले लिया है 2 चम्मच और ये फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कुछ हमने फ्रूट्स रखे हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। चलिए गैस को ऑन करेंगे और गैस को तेज फ्लेम में कर देंगे और ये हम अपने पैन रख देंगे। ये हम इसमें दूध डालते हैं, ये फुल क्रीम आधा किलो दूध लिया है, इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे, चलाते रहेंगे इस तरीके से जब तक हमारा ये दूध गर्म हो रहा है, जब तक हम अपना कस्टर्ड पाउडर को तैयार कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा दूध लिया है, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में दूध है, ज़्यादा ठंडा नहीं है और ना गर्म है। इसमें ये अपना पाउडर मिलाएंगे, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होनी चाहिए। ये पाउडर हमारा अच्छे से घुल चुका है, अब हम चलिए अपने दूध को देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा दूध बिल्कुल उबलने लग गया है, हम इसे 10-5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए ये दूध हमारा थोड़ा कम हो गया है, अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे अपना शक्कर। शक्कर हमने 2 बड़े चम्मच में लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जैसे आपको दूध कम मीठा और कम पसंद, कम ज्यादा तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब हम इसी स्टेज पे यहाँ पे कर देंगे अपनी गैस को धीरे और इसमें अपना कस्टर्ड डालेंगे, ये जो कस्टर्ड पाउडर खोल करके रखा था इसको डालेंगे, इसको बिल्कुल आराम से डालेंगे और धीरे धीरे और इसको चलाते रहेंगे, बहुत ही आराम से डाल देंगे इस तरीके से, उसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, चलाते रहेंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, हम इसे 5-6 मिनट और पकाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे और छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, इसको बराबर से चलाते रहेंगे। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, ज़्यादा ठंडा नहीं है ना ज़्यादा गर्म है। अब हम इसमें अपने फ्रूट्स डालेंगे, हम इसे सर्व करेंगे, इसे थोड़ी सी गार्निश कर देंगे।